किसी भी सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे आप हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और सरकार की इस वक्त जो कोशिश है स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जितनी भी कोशिशें आप उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे पे यहाँ कमी थी लॉन टेनिस कोर्ट्स की, तो आपने देखा होगा कि IDFC स्कीम के द्वारा हमने यहाँ पे ये लॉन टेनिस कोर्ट्स बनवाए। उसके बाद हमने जो एसोसिएशन थी उसको रीस्टार्ट करवाया, रीऑर्गेनाइज करवाया, डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनवाए, दोनों डिवीजन में अभी इनके यूनिट्स चल रहे हैं, इनकी फंडिंग रीस्टार्ट कर ली, और इन्होंने यहाँ पे शाम को अगर आप यहाँ पे आएंगे कोई 200 के बच्चे करीब बच्चे ये ट्रेन करते हैं और डिफरेंट तरह के टूर्नामेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं। जब यहाँ फैसिलिटी थी, जब इनकी फंडिंग स्टार्ट हो गई, सरकार ने इनको पुश दे दिया, इन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की। आप ये एक्टिविटी जब पेरेंट्स तक पहुँचाएंगे तो आपकी वसादत से, आपके माध्यम से और ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे। और हमारा जो सरकार का इस वक्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इंगेज हो स्पोर्ट्स में, वो तभी तक मुमकिन नहीं है जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा, आप लोगों की डिसिमिनेशन ऑफ दीज एसेट्स, ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दीज एक्टिविटीज जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल कर रहा है अलॉन्ग विद डिफरेंट एसोसिएशन। तो आपसे एक गुजारिश है, आप सबको अपने डिफरेंट चैनल्स के द्वारा बताएं कि यहाँ एक फैसिलिटी अवेलेबल है, फ्री में कोचिंग है, फ्री में एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ टूर्नामेंट्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास साथ जुड़ेंगे। थैंक यू। ये लॉन टेनिस की शुरुआत पिछले साल नवंबर में हुई थी और उसके बाद ये सिलसिला चला। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, उन्होंने पूरी सपोर्ट की और उनकी सपोर्ट से ये हमने यहाँ पे फ्री एक कोचिंग कैंप शुरू कर दिया, तो रिवाइवल ऑफ टेनिस उन्होंने लाया। तो आज ये पहली बार है कि हमें ऑल इंडिया एक टूर्नामेंट मिला है आईटा का टैलेंट सीरीज का T7, और उसकी आज इनॉग्रेशन है। ये एक हफ्ते का टूर्नामेंट होता है, टैलेंट सीरीज 7 डेज, ये वो टूर्नामेंट है। जम्मू से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं। यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए ये मैसेज है कि स्पोर्ट्स से अच्छा माध्यम कोई नहीं है, बाकी जितनी भी एक्टिविटीज चाहे ड्रग्स की हैं चाहे एंटी सोशल एक्टिविटी हैं, उनसे अच्छा है कि वो स्पोर्ट्स में जुड़ें और अपना वो फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत अच्छी चीज है।